वेलकम फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक और दिल से मुबारक। और सुनाए, आप सबकी ईद कैसी गुजरी? ईद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी होगी। तो जी, हमारी ईद भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी। स्क्रीन पर तो आप देख भी रहे हैं मेरी तैयारियां ईद की, और लास्ट जो रोज़ा है उसकी तैयारियां, यानी चांद रात। तो सारा कुछ इस वीडियो में आप देखेंगे। इसके अलावा एक ज़बरदस्त सा सरप्राइज़ कह लें, या एक बहुत ही ज़बरदस्त सी बात आपके साथ होने वाली है, जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत मतलब अच्छी बात है। मैं एक्साइटेड हूँ वो बात आपके साथ शेयर करने के लिए। तो चलें पहले ये देखें, ये ऑनलाइन हमारा सारा ड्राई फ्रूट्स और ग्रोसरी जो है, मसाले और बिरयानी राइस वगैरह सारा कुछ आ चुका था। और आपको पता होगा मेरी ग्रोसरी ऑनलाइन ही आती है, लेकिन ईद के लिए मैंने कुछ खास चीज़ें मंगाई थी। बहुत सारी चीज़ों की तो मैं वीडियो नहीं ले पाई, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि आप हर चीज़ को शूट कर पाएँ और वीडियो ले पाएँ। फिर भी मैंने कोशिश की कि जहाँ तक हो सके वीडियो हर चीज़ की लूँ। और खैर, तो इस तरह सारी चीज़ों को मैं समेट रही हूँ, और क्योंकि डाइनिंग टेबल भी खाली करना है, किचन भी समेटना है। और इसके बाद है ना, इस दिन हमने यानी मंगा लिया था ऑनलाइन डिनर, बिल्कुल हल्का सा, सिर्फ पनीर और नान थोड़े से। तो ये देखें, लच्छा सेवई, ये दूध में डालकर खाने का होता है जिन्हें नहीं पता। और ये है रुमाली सेवई यानी बनारसी सेवई, बिल्कुल बारीक वाली। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स, तो मैं बनारसी सेवई, जो रुमाली सेवई या शीर कोरमा कुछ लोग कहते हैं, तो वही मैं बनाऊंगी, आगे वो भी शेयर करूंगी। और हाँ गाइस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, और मैं बताने के लिए एक्साइटेड हूँ। थंबनेल में भी आपने देखा, तो चलिए मैं आपको लेकर अब चलती हूँ वहाँ, और वहीं से बात शुरू करती हूँ। तो ये है जी रेडीमेड कपड़ों का शॉप और ज़बरदस्त कलेक्शन। तो बस आप गौर से देखें, क्योंकि मैं आज ना एक आपसे क्वेश्चन करने वाली है कि आपको गेस करना है कि इन सारे ड्रेसेस में से एक वो कौन सी ड्रेस है जो मैं यहाँ से बाय करूँगी, खरीदूँगी ईद के लिए। ठीक है, तो ईद में वो कौन सी ड्रेस है जो मैं पहनूँगी, इन सारे ड्रेस को आप गौर से देखें। अब बिल्कुल लास्ट में पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट में जाकर जल्दी से लिखिएगा कि वो कौन सी ड्रेस है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में यानी नेक्स्ट पार्ट में मैं उन सारे लोगों का नाम शॉर्ट आउट करूँगी जो सही आंसर देंगे। है ना इंटरेस्टिंग? और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके इस सवाल का जवाब जानने के लिए कि मेरा टेस्ट कैसा है, या मैं ईद में कौन सा ड्रेस पहनना चाहूँगी। वैसे सारे ड्रेस तो एक पर एक हैं, मन तो होगा कि मैं सारा ले लूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है। फ़िलहाल यहाँ से मैं एक लूँगी ईद के लिए। तो चलें, फ़िलहाल आप देखें और गेस करें वो ड्रेस कौन सी है। मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस, बिल्कुल आपने सही गेस किया है, और आप कमेंट करने के लिए एक्साइटेड होंगे, और मैं उनका नाम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट एपिसोड में शॉर्ट आउट करने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो जल्दी से लास्ट में बिल्कुल जाकर कमेंट कीजिएगा कि वो ड्रेस कौन सी है। और फिर इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ थोड़े बहुत छोटी मोटी चीज़ें लेने। तो ये शॉप है लेस, गोटे और इन सारी चीज़ों का। ये जो है लटकन इसे कहते हैं, मुझे बहुत यूनिक सा लग रहा था, मुझे लेना नहीं था, बस मुझे अच्छा लगा, तो मैंने छोटी सी वीडियो शूट कर ली। बिल्कुल देखें इस तरह कितनी सारी झालर, टिकली और सितारे लगे हैं। तो गाइस, ऐसा है कि यहाँ से थोड़ी मोड़ी चीज़ लेने के बाद मैं आ गई थी मेहंदी की दुकान में, और मेहंदी के बिना तो ईद अधूरी है। और पता नहीं क्यों, जितनी भी रात हो जाए मैं बगैर मेहंदी लगाए नहीं सोती। और यहाँ मैंने जो शॉप के ऑनर थे उनसे मैंने कहा, क्या मैं एक छोटी सी वीडियो शूट कर लूँ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। और मैं थोड़ी सी यहाँ वीडियो बना ली। एक अच्छी बात थी ना कि इस शॉप में आज बिल्कुल रश नहीं था, भीड़ नहीं थी, हालांकि यहाँ बहुत लोग होते हैं। तो मैंने उनसे
शूट करते हुए कहा कि आज रश नहीं, तो उन्होंने कहा मैडम इफ्तार का थोड़ी देर में टाइम होगा इसलिए लोग कम हैं, आज हमारा शॉप 12 बजे रात के बाद तक खुला होगा, भीड़ होने वाली है। तो मैं लकी थी, अच्छे से शूट कर पाई। उसके बाद आ गई थी घर, थोड़ी बहुत इफ्तार का इंतज़ाम मैंने इफ्तार का करके मैं गई थी, और फिर थोड़ा बहुत चीज़ मैंने रेडी किया, फ्रूट सैलड वगैरह बनाया, और फिर हमने इफ्तार किया, और ये बेटे का फेवरेट और मेरा भी तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट इफ्तार आज हमारा हो गया। और मतलब कोविड की वजह से ना ही कुछ सालों, 2 साल लगभग ना, लोग ना ही अच्छे से रोज़ा मनाए, ना ही ईद, ना ही कोई त्यौहार, ना ही कोई फंक्शन शादी, तो इस बार जो है ना बहुत ज़्यादा लोग खुश थे और बहुत सारी तैयारियां थी। अब देखें हम लोग आ गए छत पर चांद देखने, और ये मैंने फ़ोटोशूट की है, देखें चांद की। तो जो फ़ोटो आपने चांद की देखी ना वो मैंने शूट की थी, और वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि पॉसिबल नहीं था, जूम करके भी लेने से क्लियर नहीं था। उसके बाद आ गई थी नीचे, यानी हम सब नीचे आ गए थे, और ये हस्बैंड का वाइट कुर्ता और बेटे का ब्लू, तो ये सारा कुछ रेडी है। उसके बाद हल्का सा हमने डिनर किया, नान के अलावा मैंने बना ली थी घर में सादी रोटी, क्योंकि नान मैदे का होता है तो हस्बैंड को पसंद नहीं आता, तो इस तरह हल्का सा हमने डिनर किया। और उसके बाद मैं आ गई थी जल्दी से किचन में, क्योंकि चांद रात में मेरी कोशिश होती है कि थोड़ी बहुत चीज़ मैं रेडी कर लूँ ताकि ईद के दिन ना नेक्स्ट डे ईजी हो जाए। तो मैं यहाँ मैरिनेट कर रही थी चिकन, बिरयानी बनाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपको ये बिरयानी की रेसिपी या आगे मैं जो रुमाली सेवई या बनारसी सेवई बनाऊंगी उसकी रेसिपी चाहिए होगी तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह कभी शेयर करूंगी। बड़ा ही यम्मी बना था। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो ईद का ब्लॉग होगा उसमें मैं सारा कुछ दिखाऊंगी, लेकिन रेसिपी अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह लेकर आऊंगी। ये है रुमाली सेवई, इसे मैं अभी घी में करूंगी फ्राई। फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए मैं चांद रात में रेडी कर रही थी, धीमी आंच में इसे गोल्डन ब्राउन करना असली घी में। तो इस तरह मेरी लगभग तैयारियां थोड़ी बहुत हो चुकी। तो आज चांद रात के दिन जितना भी मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने थोड़ा बहुत कुछ रेडी कर लिया, और थी मेहंदी की बारी, टाइम हो रहा है 1:20 बाकी है, और यहाँ भी मैंने मोबाइल में भी टाइम आपको दिखा रही हूँ आपको, ताकि कितनी रात है ये देखें। और मैंने ये बिल्कुल सिंपल सा जो है ना गूगल सर्च से ये मेहंदी डिज़ाइन निकाला, और बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी सी जैसे भी बस मैं लगा कर ही सोती हूँ, हर साल मेरा यही है बस। और बस मेहंदी की जो बात होती है ना वो टेढ़ी हो जैसी हो बस लाल होनी चाहिए, क्योंकि मेहंदी के बिना मेरे लिए ईद अधूरा सा मुझे लगता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारी सी मेहंदी। आई होप गाइस आपने वीडियो एंजॉय की होगी, तो देर किस बात की, जल्दी से करें लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और हाँ नेक्स्ट पार्ट में नाम शॉर्ट आउट होगा, तो एक्साइटेड है ना आप। तो चलिए बस खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और मुझे दें इजाज़त।